व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ 999-766-5-5-5। ये पुराने सिक्के हैं जो गोताखोर निकालते गंगा जी से, उसे हम बेचते हैं। पांच पैसा है, पांच पैसा, एक पैसा भी आपके पास? एक पैसा, आधा पैसा। एक पैसा पहले चला करता था, दिखाइए एक पैसा। हाँ, एक पैसा, एक नया पैसा 1961 का। एक पैसा ये भी है सर, ये अब मुझे दिखाइए। दो पैसा, तीन पैसा, जब तक तीन पैसा देख लेते हैं। हाँ, ये वाला भी 1934 का, नहीं 1964 का तीन पैसा, 1956 का भी एक, 1956 का एक पैसा भी देखना है। तीन पैसा, यस तीन पैसा, 1968 का तीन पैसा, पांचवी शताब्दी, पांचवी शताब्दी का। किस चीज का बना हुआ है ये? कॉपर में होता है, जो पंच मार्क का सिक्के होते हैं, पंच मार्क्ड कॉइंस। आपको कैसे पता इसके बारे में? ये कॉपर है सर, हिस्ट्री में जाना पड़ता है। तो मौर्य पीरियड से भी पहले का? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बुद्धा पीरियड का? आपने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है? यस सर, यस। ये कैसे पता आपको पंच मार्क्ड कॉइन है? ये नकली भी हो सकता है? नहीं नहीं, ये आते हैं बुक के अंदर, बुक दिखाइए सर, रियल रूम के अंदर है। लेकिन आपके पास ये कॉपर कॉइन है? कैसे पता ये पंच मार्क कॉइन है? कौन सा मेटल है? कॉपर मेटल है सर, कॉपर है। और ये पुरातत्व विभाग में भी आपका ये, अगर मैं इसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से पूछूं, ओके सर, पंच मार्क कॉइन है, ओके सर, कहीं पर भी आप इसको चेक करवा दो। आना दो पैसा भी, दो आना, ये दो आना, दो आना, दो आना, दो पैसा नहीं मिला सर, वो एक राउंड अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। लेकिन ये पक्का पंच मार्क कॉइन है? यस सर, यस सर, ये पंच मार्क कॉइन, दो पैसा। अब सारे कवर हो गए, एक दो तीन। मिनिमम इस पे लिपि कौन सी है? लिपि ये वेल लिपि उस समय होती, ये तो है नहीं, ये तो फारसी टाइप का लग रहा है भाई, ये पंच मार्क कॉइन तो है नहीं, है रियल कॉइन, रेयर कॉइन है वो। अब ये इस पे लिपि, अगर आप इसे कह रहे हैं तब तो ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी सर, आप ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, लेकिन ये तो फारसी लग रही है मुझे देखने। अब पता नहीं सर ये कौन सी लिपि है, पंच मार्क तो नहीं हो सकता सर, ये तो हम नहीं जानते। लिपि वजन अच्छा है, पर ऐसे भी आपके पास सिक्के उतने गुप्ता पीरियड के जैसे सोने के सिक्के? वो नहीं, गोल्ड में तो आज तक नहीं है, पर्ण जैसे पर्ण कहते थे। नहीं सर, गोल्ड वाले नहीं आते हैं सर, वो मुगल कालीन। हाँ सर, मुगल कालीन के आते हैं। मुगल कालीन दिखाओ, लेकिन मुगल कालीन सल्तनत पीरियड के सिक्के दिखाई, ये तो बैंक के अंदर भी चेक करवा सकते हैं, सर बैंक को इसके बारे में एक्सपर्ट होता है, न्यूमिस्मैटिस्ट। मुगल पीरियड की हुंडी, कौन सा मेटल? मेटल ये ब्रास, दोनों सर, ये मिक्स दांत चमड़ी है। मुगल कालीन जी, मुगल कालीन कॉपर एंड ब्रास बोलते हैं सर, भी हम लोग लिपि पता नहीं कर पा रहे सर। आप ये वाला काम कब से कर रहे हैं सिक्को? ये मैं शुरू से ही काम, मतलब कितने शुरू से? 25 साल, 32 ईयर हो गया सर। ये आप कॉइन का ईयर, विक्टोरिया कॉइन का ईयर 1814। गंगा जी में आजकल बारे में विक्टोरिया कौन कौन डालेगा? पहले का होते ना, निकालते गोचा तभी के हैं, लॉजिक होते ना, बहुत पुराने हो आपके ये 1814 का भी विक्टोरिया कॉइन। बाप रे बाप, छोटी रियासत वो भी अपने अपने सिक्के जारी करती है, बहुत कम रियासत का बताइए। लेकिन उसमें का सर हमारे पास कोई नाबा रियासत का, पटियाला रियासत का, पटियाला रियासत नहीं मिल पाए, केवल इस समय मिलना आपको मिलेगा ज्यादा ज्यादा ग्वालियर, ग्वालियर देखना पड़ेगा। कॉइन मेरा इंटरेस्ट केवल इसमें जो बहुत पुराना हो, बहुत सारे सिक्के हैं ना, उसमें वर्ष भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। सबसे पुराना जिसमें वर्ष लिखा है वो कौन सा है? 1814 है ना, 1840 से पुराना कोई है या नहीं? ये 1818 वाला कितने का बिश होगा? तो अभी ये दो ले रहा हूँ आपसे, लेकिन आप और पुराना मेरे लिए ढूंढ कर रखिए, ठीक है? मिलेगा तो आपको मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जब भी आपके पास बहुत पुराना सिक्का है, जब भी कोई रियल चीज आएगी तो ये पंच मार्क कॉइन में ले रहा हूँ आपसे, आपके कहने पे कि ये पंच मार्क है, सर मैं दिखाऊंगा भी, कहीं भी चेक करा ले। और ये भी मैं 1814 वाला भी ले रहा हूँ, ठीक है? फिर अगर ये खोटा निकल गया, उसको ऐसे देते हो हाथ में देते हो? नहीं, पेपर तो पन्नी तो बंद, चलिए ठीक है। हाँ, ये अच्छी बात है, पन्नी तो बंद हो गई ना, पन्नी तो बंद हमने करवाई ना, आपने करवाई, चलिए थैंक यू।